हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं REC के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ZeroTha के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ZeroTha की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले REC में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन REC में 2.77% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 145.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है मंडे के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है मंडे को स्टॉक में क्या होने वाला है जरूर जो हमारे ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है। बाकी यहाँ पे बात करें अगर हम कैंडल की, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कहूँगा मीडियम साइज से लार्ज साइज की यहाँ पे एक जो है कैंडल बनी है और यहाँ पे 200 MA के नीचे जो इस स्टॉक ने अपना जो है आज के दिन क्लोजिंग भी दिया है। बात करें अगर हम RSI की, RSI यहाँ पे आप देख सकते हैं 38-39 के आसपास जो आ चुका है। मतलब यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया के साइड में हमारा स्टॉक जो है जाते हुए देखने मिल रहा है। RSI हमारा ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहा है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंट का जो जरूर एक इशारा करता है हमारा RSI। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें उसे जो है ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब बाकी यहाँ पे इस स्टॉक में आने वाले दिनों की जो बात है अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक जो है नेगेटिव चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको जो है डाउनसाइड देखने मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ चार्ट हमें ऐसा क्यों दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं 20 MA और 50 MA का जो यहाँ पे एक जो अच्छा सपोर्ट था उसको तोड़ते हुए नीचे गया है स्टॉक और ऊपर से 200 MA का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है हमेशा हमें जो है स्टॉक में देखने मिलता है उसको भी आज तोड़ते हुए नीचे गया है जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्टॉक को जो हमारे नेगेटिव कर देता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते 20 MA और 50 MA का जो क्रॉस ओवर भी बना है जो यहाँ पे एक हमें नेगेटिव का जो है इशारा भी यहाँ पे करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा जो है नेगेटिव साइन है इस स्टॉक में। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप जो है कॉशियसली स्टॉक में ज़रूर काम करें आने वाले दिनों में क्योंकि इसमें बड़ा ही डाउन साइड जो आपको देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बात रही कल के लिए तो कल के लिए मैं हमारे 1 आवर के चार्ट में जाके बात करूँगा। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो इस स्टॉक में आपको क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो चलिए अब 1 आवर के चार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या जो है देखने मिल रहा है और वहाँ पे क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला उसको भी जो है आपको यहाँ पे मैं मार्क करके बताता हूँ। तो अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे पहले तो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ उसको आप जो है यहाँ पे सेम टू सेम मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्किंग जो मैं कर रहा हूँ वो कभी भी यहाँ पे ये स्टॉक जो है उस रेंज में आए जो हमने मार्किंग किया उस रेंज में आए तो वहाँ पे जो है आपको ये मार्किंग जो है हमारे बहुत ही काम आने वाली है। एक तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे चूज करने में और ऊपर से यहाँ पे टारगेट और आपका क्या स्टॉप लॉस बनेगा उसको भी जो है ये हेल्प करती है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है ज़रूर जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ ज़रूर कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो याद रखें हम जो आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं कहते हैं। उसका डिसीजन जो है वो आपको अपना जो है एक यहाँ पे एनालाइज करते हुए लेना है अपना जो है यहाँ पे ज़रूर एक रिसर्च करना है क्योंकि याद रखें कितने बड़े से बड़ा यहाँ पे जो है आपको इन्वेस्टर कहे या फिर जो है यहाँ पे यूट्यूबर कहे आपको जो उनकी बात नहीं माननी आपको जो अपना यहाँ पे रिसर्च ज़रूर करना है और फिर ही उसके बाद ही जो है अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे अब जो है मैंने मार्किंग्स तो कर ली है जो भी हमारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो भी हमें चाहिए थे फिलहाल इंपॉर्टेंट जो है मंडे के लिए होने वाले तो यहाँ पे मैंने उसको मार्क कर लिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्लोजिंग की।
क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 145.40 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट हमारा आता है 144.80 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 145.95 का हमारा यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर आपको जो है इस बीच में ये स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है यहाँ पे स्टॉक जो है क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिले फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यूज बता रहा हूँ किस तरह से आपको जो इसको यूज करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट जो है, जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा जो है यहाँ पे 144.80 का, तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट, जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज करें। यहाँ पे मैं जो हूँ मोस्टली 5 मिनट का यूज करता हूँ। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो हो 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जो है जैसे यहाँ पे स्टॉक ने जो है अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा आपको जो है यहाँ पे वेट करना है 3 रेड कैंडल का। यहाँ पे नीचे जा रहा है स्टॉक तो हम जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले चौथी कैंडल पे जो है आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, और फिर चौथी कैंडल पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे जो है आपको जो हमारा अगला सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 143.65 का, यहाँ पे अगले सपोर्ट से मैं कहूँगा आपको जो है यहाँ पे 0.50, मतलब यहाँ पे जो है आपको 50 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपना जो है टारगेट लगाना है जो है यहाँ पे 144.15 का। लेकिन अगर आपको लग रहा है टारगेट जो है बहुत ही छोटा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 144.80 से यहाँ पे मैं कहूँगा 144.20 या फिर 15 जो है बहुत ही छोटा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप जो है 144.65 जो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट है उस का भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है उससे भी नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये जो हमने मार्किंग जो की है 143.65 की जो हमारा सपोर्ट है उसको नीचे जाते हुए वापस से आपको जो है 3 रेड कैंडल का वेट करना है, और फिर 142.20 से 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब यहाँ पे जो है आपको 142.70 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस जो है क्यों रखना हुआ थोड़े टाइम में बता देता हूँ। लेकिन बात करते हैं हम अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम ये स्टॉक जो ऊपर गया मंडे के दिन तो यहाँ पे 145.95 यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो तोड़ा यहाँ पे आपको जो है वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। याद रखें ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे गया तो रेड। जैसे ही आपको यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले आपको जो यहाँ पे चौथी कैंडल पे एंट्री लेते हुए अपना जो टारगेट जो है अगला हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 147.70, उससे 50 पॉइंट्स डाउन, मतलब यहाँ पे 147.20 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। यहाँ पे अब बात करते हैं ये डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है। डिफरेंस याद रखे आपको इसलिए रखना है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो बाइंग पॉइंट साइड हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो वो अपना जो है ऑर्डर ऑलरेडी अपना ऑर्डर बुक में जो है प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी वजह से वो हमेशा सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो वो जो है हमेशा एक डिफरेंस के साथ जो है अपना यहाँ पे जो है ऑर्डर रखते हैं ताकि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है कुछ उसी का जो है स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, अपना जो यहाँ पे टारगेट है उसको भी जो है आप यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन साइड हो या फिर सपोर्ट जोन साइड हो आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस में रखें ताकि आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। पहली बात तो आपका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, और दूसरी बात है यहाँ पे क्या होता है कभी कभी हमारे ट्रेडर्स जो है एक पॉइंट पे एक यहाँ पे प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो स्टॉक है वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो एग्जैक्ट वहाँ पे पॉइंट पे पहुँचता ही नहीं है और उसी से पहले जो है रिवर्सल चालू हो जाता है। तो जो यहाँ पे रिवर्सल का जो प्रॉफिट में कमी आती है उससे भी आप बच पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है ज़रूर डिफरेंस जो है रखते हुए अपना यहाँ पे जो है टारगेट सेट करें। बाकी यहाँ पे बात रही ये जो डिफरेंस जो है किस तरह से आपको डिसाइड करना है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे हम REC की बात करें लेकिन स्टॉक कोई भी हो आपको जो है स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। यहाँ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है 140 और डिजिट है 3, तो यहाँ पे आपको इजीली 0.50 से लेके 2 पॉइंट्स का जो है इस स्टॉक में फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाता है 1 से 2 मिनट में। तो यहाँ पे जो है अगर आपको डिफरेंस रखना है 0.50 का जो मिनिमम जो मैं कह रहा हूँ वो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे सेफ खेलना चाहे तो आप जो है 1 पॉइंट का भी रख सकते हैं या फिर 1.5 या फिर 2 पॉइंट्स का भी आप
रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मंडे को जो है मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है 147.70 तक जरूर जो है मतलब पॉजिटिव जो है मंडे के दिन रह सकता है, और यहाँ पे आपको इसी बीच जो है क्लोजिंग भी आपको दे सकता है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में जो है मंडे के दिन क्या होने वाला है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।